अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ तुम क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे पूरी पोयम याद हो गई। सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वाह शाबाश, देखा मैंने बोला था ना अकेले पढ़ाई हो जाएगी, तुम्हें माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी। पापा माँ ने ही तो सिखाया है मुझे। कैसे? माँ करुणा को पढ़ा रही थी तब मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आज की पढ़ाई खत्म, अब प्ले टाइम। चलो करुणा, हम बॉल से खेलते हैं। हाँ चलो हम जा रहे हैं। रुको विधि, तुम नहीं मानोगी ना? अब क्या क्या मैंने? जूनियर की मदद, सामने से ना सही लेकिन पीछे से तो उसका सहारा बनी रही हो। डॉक्टर साहब इतना परेशान था, वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था और आप है कि बस इसे डांटे जा रहे थे। बच्चे से ऐसा कोई पेश नहीं आता है। मैं नहीं चाहती कि इन सारी चीजों की वजह से उसका पूरा साल बर्बाद हो जाए। देखो तुम मेरी बात, छोड़िए हमारा, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, बचाओ, ये देखो चलो पागल हो गई है। ये शर्म, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है, और कहीं की ना कंगन ना दे। हाथ छोड़िए इनका, क्या कर रही हैं? हमने कहा हाथ छोड़िए, छोड़िए हाथ। ये कौन सी नई चाल है आपकी? चाल नहीं चल रही हूं मैं, ये एक नंबर की चोर है। इसने मेरी बेटी सिया का कंगन चुराया है और मेरे सामने पहनकर घूम रही है। देखो देखो इसका हाथ, देखो। अरे छोड़िए हमारा हाथ, पागल हो गई है? ये हमारे कंगन है, हमारे बेटे हमारे लिए लेकर आए थे, समझिए आप। इसका मतलब चोर आप नहीं, आपका बेटा है, क्योंकि ये कंगन मेरे सिया के ही है। कहाँ है आपका बेटा, कहाँ है वो? निशांत, निशांत, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? फिर चोरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया के कंगन चुराने की? अरे मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, वो आंगन में गिरे पड़े मिले थे मुझे, तो मैंने उठा के रख दिया अपने कमरे में संभाल के। माँ को लगा होगा कि मैं उनके लिए लेके आया हूं तो उन्होंने पहन लिए। हम दे रहे हैं, ये कंगन तो मेरी पॉकेट में था, आपके पास कैसे आया? क्या तुम्हारे पॉकेट में था? हाँ, मैंने आपके सूटकेस में से निकाले थे माँ को देने के लिए। माँ के ऊपर ये कितने अच्छे लगेंगे ना? ओह, तो ये कंगन जूनियर के जेब से गिरे और निशांत ने संभाल के रख दिया। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, मतलब ये लड़की मेरे नवासे को चोरी करना भी सिखा रही है। ग्रैनी, मेरी माँ चोर नहीं है। किन्नी, लेके जा इस माँ के चमचे को यहाँ से। चलो काना, हम भी चलते। और तू कहाँ जा रही है? चुपचाप खड़ी रही है। देखिए, मैंने जूनियर से कुछ नहीं कहा, हम तो ये कंगन पहली बार देख रहे हैं। हाँ माँ, ये जूनियर का बचपना है, विधि कभी भी उसे ऐसी चीज नहीं सिखा सकती। पुत्र, दुनिया देखी है मैंने,
सच्चाई और बहाने में क्या फर्क होता है अच्छे से जानती हूं मैं। तू चाहे माने या ना माने, ये लड़की तेरे बेटे को खराब कर रही है। आखिर है तो सौतेली माई ना। बस अरे ममता पे सवाल नहीं उठाने दूंगी मैं आपको। अच्छा तो ठीक है, तुझे एक मौका देती हूं मैं, साबित कर कि तू जूनियर का भला चाहती है। क्या करना होगा मेरे को? अगर तू जूनियर की सलामती चाहती है, उसे अपना बेटा मानती है, तो तुझे उसके लिए निर्जला व्रत करना होगा, पूजा करनी होगी। भाई अचानक से पूजा पाठ का ख्याल कहां से आ गया? पूजा के लिए भी दिन और तारीख देखनी पड़ती है। हाँ अगर विधि ना करना चाहे तो बहानों की कमी नहीं है। मैं तैयार हूं। विधि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आज मारी ममता पे लालचा लुट रहा है, हमारे को मत रोकिए, आज मत रोकिए। रुको, पूजा शुरू करने से पहले तुम्हें शुद्ध होना होगा, इसलिए पहले अपने ऊपर पानी डालो। क्या हुआ, पानी ज्यादा ठंडा है, डर लग रहा है? अरे जो इतनी सी तकलीफ ना सह सके वो माँ क्या बनेगी? माँ तो मैं हूं जूनियर की। विधि, माँ तो मैं जूनियर की हूँ। छोड़ो सर, रोक दो ये सब और बंद कीजिए ये सब। ढोंग, क्या हासिल होगा इससे आपको? तू बीच में मत आवंश, कि दो माओं के बीच की बात है। मुझे तो आता है परवरिश करना, मैं ये भी तो देखूं कि ये जूनियर की माँ कहलाने के लायक है भी कि नहीं। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा।